नमस्कार दोस्तों, हम लोग कक्षा 8 के एनसीईआरटी पढ़ रहे थे, जिसमें कल हम लोगों ने पढ़ा था चार्ज कैसे उत्पन्न होता है, स्टोरी लाइटिंग की क्या है और हमें थंडर स्टॉर्म या तड़ित झंझा के समय क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, भूकंप आने के क्या कारण हैं और भूकंप से हमें क्या क्या नुकसान होता है इसके बारे में पढ़ा था। इसके बाद हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा था और फिर हमने पढ़ा था डिफ्यूज और इररेगुलर रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं और रेगुलर रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं। हमने स्ट्रक्चर ऑफ आई के बारे में डिटेल में पढ़ा था। हमने ये भी पढ़ा था कि जो है बैलेंस डाइट ना लेने से हमारे नेत्रों को क्षति हो सकती है, इसलिए जो है हमें विटामिन ए की जब डेफिशिएंसी हो जाती है तो हमें मेनी आई ट्रबल से गुजरना पड़ता है। विटामिन ए की कमी से हमारे आंखों में कौन सी बीमारी हो जाती है, हमें नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे खगोलीय पिंड या खगोलीय पिंड या सेलेस्टियल बॉडीज किसे कहते हैं। तो दोस्तों स्टार, प्लैनेट, मून और बहुत से ऐसे ऑब्जेक्ट जो स्काई में होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम खगोलीय पिंड कहते हैं। मून जो होता है वो ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट होता है नाइट स्काई में। दोस्तों जो स्टडी होती है या इसके अध्ययन को, स्टडी ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज को हम क्या कहते हैं, एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। एस्ट्रोनॉमी, इसको याद रखिएगा, जो स्टडी होती है सेलेस्टियल बॉडीज की उसे हम एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। इसके बाद दोस्तों हम मून के बारे में पढ़ेंगे, द डे ऑन विच होल डिस्क जो होता है मून का विजिबल होता है उसे क्या कहते हैं, उस दिन को फुल मून या पूर्णिमा कहते हैं। इसके बाद क्या होता है, हर रात जो साइज होता है ब्राइट पार्ट ऑफ मून का वो थिनर होता जाता है और 15वें दिन जो होता है मून हमें दिखाई नहीं देता है, इसे हम क्या कहते हैं, न्यू मून डे, या हम इसे अमावस्या कहते हैं। अगले दिन क्या होता है दोस्तों, अगले दिन हमें चंद्रमा का छोटा भाग दिखाई देता है जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम क्रिसेंट मून या बाल चंद्र कहते हैं। फिर इसके पश्चात क्या होता है, चंद्रमा प्रत्येक दिन जो है बड़ा होता जाता है और 15वें दिन क्या होता है, 15वें दिन एक बार फिर हम चंद्रमा का पूरा दृश्य देख लेते हैं। दोस्तों ये नोट पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो टाइम पीरियड होता है बिटवीन वन फुल मून से अगले फुल मून तक वो स्लाइटली कितना होता है, लॉन्गर देन 29 डेज होता है। बहुत से कैलेंडरों में इस पीरियड को क्या कहते हैं, इस पीरियड को मंथ कहते हैं। हमारा अगला नोट है कि जो मून होता है वो अपनी लाइट प्रोड्यूस नहीं करता है, जबकि जो सन होता है और अदर स्टार होते हैं इनके पास अपनी लाइट ये प्रोड्यूस करते हैं। ऐसा क्यों होता है कि जो मून होता है अपनी लाइट नहीं प्रोड्यूस करता है, क्योंकि जो सनलाइट गिरती है उसके ऊपर वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, इस वजह से हम केवल मून का वही पार्ट देख पाते हैं जिस पे क्या होता है सन की लाइट रिफ्लेक्ट होकर हम तक आती है, तो हम इसलिए केवल वही पार्ट मून का देख पाते हैं। हमारा अगला पॉइंट है तीसरा कि मून क्या होता है, मून कहाँ रिवॉल्व करता है, अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है, जबकि अर्थ जो होता है मून के साथ वो सन के अराउंड रिवॉल्व करता है। तो दोस्तों ये भी नोट इम्पॉर्टेंट है। हमारा अगला पॉइंट है कि मून सरफेस पे क्या होता है, मून के सरफेस पे दोस्तों कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता है, यहाँ पे पानी भी नहीं पाया जाता है, इसलिए यहाँ पे जीवन असंभव है। पहली बार 21 जुलाई 1969 को जो अमेरिकन एस्ट्रोनॉट था नील आर्मस्ट्रांग वो चंद्रमा की धरती पर पहली बार गया था। तो दोस्तों ये नाम याद रखिएगा, उनके बाद नील आर्मस्ट्रांग के बाद जो है चंद्रमा की धरती पर कौन उतरा, एडविन एल्ड्रिन उतरे। दोस्तों ये नोट भी इम्पॉर्टेंट है बहुत, ये पूछा गया है कि सन जो होता है वो अर्थ से कितने किलोमीटर दूर है, तो 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। और नेक्स्ट नियरेस्ट स्टार कौन सा है, प्रॉक्सिमा
सेंटोरी है, इसकी डिस्टेंस होती है इतने किलोमीटर अर्थ से। तो दोस्तों जो इतनी लंबी लंबी डिस्टेंस है इसे हम किस यूनिट में एक्सप्रेस करते हैं? इसे हम एक्सप्रेस करते हैं लाइट ईयर में। कभी कभी ये पूछा जाता है डिस्टेंस का मात्रक लाइट ईयर है या नहीं, तो दोस्तों डिस्टेंस का मात्रक लाइट ईयर माना जाता है क्योंकि जो बड़ी बड़ी डिस्टेंस होती है उसको हम लाइट ईयर में एक्सप्रेस करते हैं। अब हम देखेंगे कि ये लाइट ईयर होता क्या है। जो डिस्टेंस ट्रेवल किया जाता है लाइट के द्वारा एक साल में उसे हम लाइट ईयर कहते हैं। ये डिस्टेंस जो होती है सन की अर्थ से कितनी होती है? 8 लाइट होती है, जबकि अल्फा सेंचुरी की 4.3 लाइट ईयर होती है। दोस्तों ये नोट इम्पोर्टेंट है कि जो स्टार होते हैं वो अपीयर होते हैं मूव करते हुए ईस्ट टू वेस्ट, और एक स्टार जो होता है वो राइज कहाँ होता है? ईस्ट में इवनिंग के टाइम, और सेट कहाँ, अस्त कहाँ होता है? वेस्ट में इन अर्ली मॉर्निंग। केवल एक एक्सेप्शन है ध्रुव तारा का, ये सैचुएटेड होता है, पृथ्वी के अक्ष की दिशा में सैचुएटेड होता है, इसलिए ये मूव करते हुए अपीयर नहीं होता है। अब हमारा अगला पॉइंट है कॉन्स्टेलेशन क्या होता है, या इसे हम क्या कहते हैं, तारामंडल। तो दोस्तों तारामंडल क्या है? तारामंडल एक तारों का समूह है, या हम कह सकते हैं कि पहचाने जाने योग्य आकृतियों के समूह को क्या कहते हैं हम? तारामंडल कहते हैं। मोस्ट फेमस तारामंडल जिसे हम देखते हैं कब? समर के टाइम में, अर्ली पार्ट ऑफ नाइट में। वो कौन सा तारामंडल है विश्वविख्यात? वो उर्सा मेजर है। तो दोस्तों इसको याद रखिएगा कि सबसे प्रसिद्ध तारामंडल जिसे हम देख लेते हैं समर में, अर्ली पार्ट ऑफ नाइट में, वो कौन सा तारामंडल है? वो उर्सा मेजर है। इसे हम और क्या कहते हैं? इसे हम बिग डिपर कहते हैं, या ग्रेट बियर कहते हैं, या सप्त ऋषि भी इसी उर्सा मेजर को कहते हैं। ये जो दोस्तों उर्सा मेजर है, या हम इसे विग डिपर कहते हैं, ये क्या होता है? ये सात सुअस्पष्ट इसमें तारे होते हैं, ये बड़ी कलछी या प्रश्न चिन्ह जैसा हमें प्रतीत होता है। इसकी कलछी की हत्थी में 3 तारे, और जबकि इसकी कटोरी में कितने? हमें 4 तारे दिखाई देते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। और इसमें भी दिखाया गया है दोस्तों, इसमें ध्रुव तारे की पोजीशन दिखाई गई है, और ये क्या है? ये उर्सा मेजर है इधर वाला, और ये पोजीशन किसकी है? ध्रुव तारा की है। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे पोलर स्टार या ध्रुव तारा। ध्रुव तारा, ये जो पोलर स्टार होता है ये हमें दिखाई नहीं देता सौदर्न हेमिस्फीयर से। कुछ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कुछ तारामंडल होते हैं जैसे उर्सा मेजर, ये हमें नहीं दिखाई देते हैं। कहाँ से? कुछ पॉइंट होते हैं सौदर्न हेमिस्फीयर से, वहां से ये हमें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो तारामंडल होते हैं जैसे कि उर्सा मेजर, ये कुछ पॉइंट से सौदर्न हेमिस्फीयर से दिखाई नहीं देता है। हमारा अगला पॉइंट है ओरियन क्या है। ओरियन एक अनदर तारामंडल है, दूसरा तारामंडल है जो हमें कब दिखता है? जो हमें ठंडियों में, लेट इवनिंग में हमें दिखता है। इसे हम क्या कहते हैं? इसलिए इसे हम हंटर स्टार भी कहते हैं। आकाश में जो होता है, आकाश में सबसे चमकीला तारा सीरियस होता है, ये किसके क्लोज लोकेटेड होता है? ये ओरियन के क्लोज लोकेटेड होता है। तो ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। कैसियोपिया क्या होता है? एक प्रोमिनेंट तारामंडल है, कहाँ पे? नॉर्दर्न स्काई में। ये कब विजिबल होता है? ये विंटर में दिखाई देता है, अर्ली पार्ट ऑफ नाइट में। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों सौर परिवार या सोलर सिस्टम क्या होता है। सौर परिवार या सोलर सिस्टम क्या होता है? तो दोस्तों सूर्य और इसकी परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंडों से मिलके क्या बनता है? हमारा सौर परिवार बनता है।
ये कौन से स्टफ ऑफ होता है? लार्ज नंबर ऑफ बॉडीज उसमें पाई जाती हैं, प्लैनेट होता है, कॉमेट इसे धूमकेतु कहते हैं, एस्टेरॉयड होता है और मेटोर होता है जिसे हम उल्का कहते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें 8 प्लैनेट होते हैं जो रिवॉल्व करते हैं सन के अराउंड, और इनकी डिस्टेंस होती है सन से कुछ इस तरीके से। ये सन है आप देख रहे हैं, फिर इसके क्लोज क्या है, इसके क्लोज मरकरी है, फिर इसके बाद क्या है, मरकरी, इसके बाद वीनस है, इसके बाद अर्थ है, इसके बाद मार्स है, इसके बाद जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस और नेपच्यून है। आप देख रहे हैं कि ये क्या है, मरकरी है, फिर वीनस है, फिर अर्थ है, फिर मार्स है, फिर जुपिटर है, फिर सैटर्न है, फिर क्या है, फिर यूरेनस है, फिर नेपच्यून है। ये सब रिवॉल्व कर रहे हैं सन के अराउंड। अब हम दोस्तों सन के बारे में पढ़ेंगे, हमारा करीबी स्टार कौन सा है, सन है। ये कॉन्टिन्यूअसली इमिट करता है क्या, बहुत ह्यूज अमाउंट, ये कॉन्टिन्यूअसली इमिट करता है बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट। इसलिए सन क्या है, मेन सोर्स है हीट और लाइट का सभी प्लैनेट के लिए। अब हम दोस्तों पढ़ेंगे प्लैनेट क्या होते हैं। प्लैनेट को हम ग्रह कहते हैं। प्लैनेट स्टार की तरह दिखाई देते हैं लेकिन इनके पास अपनी खुद की लाइट नहीं होती है। प्लैनेट एक डेफिनेट पाथ में रिवॉल्व करते हैं सन के अराउंड। इस पाथ को क्या कहते हैं दोस्तों, इस पाथ को ऑर्बिट कहते हैं, इसको याद रखिएगा। और जो टाइम लिया जाता है प्लैनेट के द्वारा कंप्लीट करने में एक रिवॉल्यूशन, उस टाइम पीरियड को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों सैटेलाइट या उपग्रह क्या होते हैं। सैटेलाइट या उपग्रह क्या होते हैं, तो दोस्तों ग्रहों की परिक्रमा करने वाली बॉडीज को हम क्या कहते हैं, सैटेलाइट या उपग्रह कहते हैं। जैसे दोस्तों जो मून होता है वो क्या है, मून इज सैटेलाइट, सैटेलाइट ऑफ अर्थ। तो ग्रहों की परिक्रमा करने वाली बॉडीज को हम क्या कहते हैं, उसे उपग्रह कहते हैं। तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे मरकरी प्लैनेट के बारे में। इसे बुध ग्रह कहते हैं मरकरी को। ये सन के सबसे पास है और सबसे स्मॉलेस्ट ग्रह है हमारे सौर परिवार का। क्यों? क्योंकि मरकरी जो होता है बहुत क्लोज है सन के, इसलिए इसको बहुत डिफिकल्ट होता है ऑब्जर्व करना। दोस्तों ये पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है कि मरकरी के पास कोई अपना उपग्रह नहीं है। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे वीनस के बारे में। इसे क्या कहते हैं, इसे शुक्र, शुक्र ग्रह कहते हैं। ये ब्राइट सबसे चमकीला ग्रह है नाइट स्काई में। इसके पास क्या होता है, इसके पास कोई मून और कोई उपग्रह नहीं होता है अपना। तो ये भी पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, ये दोनों पूछे गए क्वेश्चन है, कौन से ग्रह के पास कोई अपना उपग्रह नहीं होता है। तो उसमें आंसर था बुध और शुक्र। ये रोटेट किधर से किधर करता है, ये रोटेट करता है ईस्ट टू वेस्ट, जबकि हमारी पृथ्वी रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट। तो ये भी याद रखिएगा दोस्तों। हमारा अगला पॉइंट है अर्थ। तो दोस्तों जो पृथ्वी का घूर्णन अक्ष है, इसकी कक्षा के तल के लंबवत नहीं है। अपने अक्ष पर झुकाव के कारण ही पृथ्वी पर क्या होता है, ऋतु परिवर्तन होता है। तो इसलिए अक्ष पर झुकी होने के कारण पृथ्वी क्या है, ऋतु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है। अर्थ के पास क्या है, एक मून होता है। इसके बाद अब हम देखेंगे मार्स, ये कौन सा ग्रह है, इसे हम मंगल ग्रह कहते हैं। ये हमें कैसा दिखता है, ये स्लाइटली हमें रेडिश दिखता है, इसलिए इसे हम रेड प्लैनेट या लाल ग्रह कहते हैं। इसके पास दो नेचुरल सैटेलाइट या दो नेचुरल प्राकृतिक उपग्रह होते हैं मंगल के पास। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे जुपिटर, जिसे हम कौन सा ग्रह कहते हैं, बृहस्पति
बृहस्पति ग्रह कहते हैं। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो बृहस्पति है सबसे बड़ा ग्रह है हमारे सौर परिवार का। इसका जो मास होता है वो 318 टाइम्स होता है अर्थ के मास का। और ये पॉइंट भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत रैपिडली रोटेट करता है ऑन इट्स एक्सिस। और ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है कि जुपिटर या बृहस्पति ग्रह के पास लार्ज नंबर ऑफ सैटेलाइट या उपग्रह होते हैं। सैटर्न को हम कौन सा ग्रह कहते हैं, इसे हम शनि ग्रह कहते हैं। ये सभी ग्रहों में सबसे कम सघन ग्रह है। इसकी डेंसिटी जो होती है वाटर की डेंसिटी से कम होती है। तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे यूरेनस और नेपच्यून के बारे में। तो ये अपने अक्ष पर क्या करता है, अत्यधिक झुका हुआ घूर्णन करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, यह कक्षीय गति करते समय अपने पृष्ठ पर क्या है, लुढ़कता हुआ प्रतीत होता है। अब हम पढ़ेंगे एस्टेरॉयड के बारे में, जिसे हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। इसमें क्या होता है, लार्ज गैप प्रेजेंट होता है किसके किसके बीच में, मंगल और बृहस्पति के बीच में जो ऑर्बिट होता है उसमें लार्ज गैप होता है। और जो ये गैप होता है वो किसके द्वारा फिल किया जाता है, लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट के द्वारा जो सन के अराउंड रिवॉल्व करता है। इसे क्या कहते हैं, इसे हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। तो दोस्तों ये क्षुद्र ग्रह की डेफिनेशन भी इम्पॉर्टेंट है। ये पूछ सकता है लार्ज गैप किस किस के बीच में होता है, तो लार्ज गैप मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में होता है। हमारा अगला पॉइंट है कॉमेट क्या है, इसे हम हिंदी में कहते हैं धूमकेतु। तो दोस्तों जो कॉमेट होता है वो जनरली कैसा दिखाई देता है, ब्राइट और लॉन्ग टेल होती है उसका। और जो टेल होती है उसकी लेंथ क्या करती है, ग्रो करती है साइज में जैसे जैसे वो सन को अप्रोच करता है। और जो टेल होता है धूमकेतु का वो हमेशा कैसा होता है, डायरेक्टेड होता है अवे फ्रॉम द सन। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे मेटियोर्स एंड मेटियोराइट्स। इसे हिंदी में क्या कहते हैं, उल्का, और इसको कहते हैं उल्का पिंड। तो दोस्तों उल्का क्या होता है, आप कभी आकाश में क्या है, आप कभी आकाश में चमकीली धारी वाले प्रकाश को आकाश में क्या है आप देख सकते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम शूटिंग स्टार या टूटता तारा कहते हैं। यद्यपि यह तारा नहीं है, यद्यपि यह तारा नहीं है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम उल्का कहते हैं। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं आकाश में प्रकाश की एक चमकीली धारी जो है आपको दिखाई दे रही है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम शूटिंग स्टार या टूटता तारा कहते हैं। लेकिन यह एक तारा नहीं है, इसे क्या कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम उल्का कहते हैं। कुछ उल्का इतनी बड़ी होती हैं कि वो पूर्णतया वाष्पित होने से पहले ही अर्थ पर पहुंच जाती हैं। तो बॉडी जो अर्थ पे पहुंच जाती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम उल्का पिंड कहते हैं। तो दोस्तों कुछ उल्का इतनी बड़ी होती हैं कि वो कंप्लीटली इवापोरेट होने से पहले ही धरती पर अर्थ पर पहुंच जाती हैं। तो बॉडी जो अर्थ पर पहुंच जाती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम उल्का पिंड कहते हैं। हमारा अगला पॉइंट है मेटोर सावर या उल्का विस्ट। तो दोस्तों जब पृथ्वी किसी धूमकेतु की पूंछ को क्रॉस करती है तो उल्काओं का झुंड दिखाई देता है, इसे क्या कहते हैं, इसे उल्का विस्ट कहते हैं। तो उल्का विस्ट किसे कहते हैं दोस्तों, जब पृथ्वी किसी धूमकेतु की पूंछ को क्रॉस करती है तो उल्काओं का झुंड दिखाई देता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम उल्का विस्ट कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे आर्टिफिशियल सैटेलाइट या कृत्रिम उपग्रह।
ये मैन मेड उपग्रह होते हैं जो लॉन्च होते हैं हमारी अर्थ से। इंडिया ने क्या किया है, सेवरल आर्टिफिशियल सैटेलाइट को बनाया है और लॉन्च किया है। सबसे पहली आर्टिफिशियल सैटेलाइट इंडिया की कौन सी है, आर्यभट्ट। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा नाम आर्यभट्ट। अदर इंडियन सैटेलाइट कौन सी है, इनसेट है, IRS है, कल्पना वन है और इडुसैट है। तो दोस्तों इस तरीके से आज हमने सेलेस्टियल बॉडीज के बारे में पढ़ा, हमने मून के बारे में पढ़ा, मून सरफेस के बारे में पढ़ा, हमने लाइट ईयर के बारे में भी पढ़ा। इसके बाद हमने सोलर सिस्टम में कौन कौन से ग्रह आते हैं उनके बारे में डिटेल में पढ़ा है कि किस ग्रह के पास अपना उपग्रह होता है, किसके पास नहीं होता है, या कौन सा ग्रह बड़ा होता है, कौन सा ग्रह सबसे करीब है सूर्य के और कौन सा ग्रह सबसे दूर है। इसके बाद हमने धूमकेतु के बारे में, उल्का उल्का पिंड के बारे में पढ़ा और सबसे लास्ट में हमने क्या पढ़ा, कृत्रिम उपग्रह किसे कहते हैं और सबसे पहला कृत्रिम उपग्रह जो इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया उसका नाम क्या था। तो दोस्तों इस तरीके से आज कक्षा 8 की NCERT समाप्त होती है। दोस्तों इसको हमने टोटल 19 लेक्चर में कक्षा 6 से कक्षा 8 तक की NCERT को कंप्लीट किया है। इसमें सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छे से कर लीजिए, कोई भी क्वेश्चन सीटेट का इससे बाहर नहीं आएगा। दोस्तों यदि आपको कोई डाउट हो तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख के हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।